हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप फरी एक बार ऑनलाइन लेक्चर मार्फते भेगा थी छे। आज आप ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लॉजना नेक्स्ट चैप्टर माटे बात करवाना छे, जे छे आपणे शेड्यूलिंग एंड फेर स्ट्रक्चर, के जे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लॉजनी अंदर नेक्स्ट चैप्टर आप स्टडी करवानुं छे। तो ट्रांसपोर्टनुं आपणे लास्ट टाइमनी अंदर प्लानिंग ने शेड्यूलिंग ने बधी आपणे वात करी हती, बराबर छे। तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटनी अंदर फेर स्ट्रक्चर मीन्स के भाड़ू, बराबर, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि पची कोई पेसेंजरन हो पी कोई लगेज व्हीकल है, तो एना आप फेर नक्की करेला हो, भाड़ू नक्की करेलो हो। तमने ख्याल है कि तब बस में कोई ट्रावलिंग करता हो, कोई टैक्सी में ट्रावलिंग करता हो, कोई बस में ट्रावलिंग करता हो, बराबर है, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग व्हीकल ने ट्रावलिंग करता हो, भाड़ू आप हो, बराबर है। तो आप स्ट्रक्चर कई रीते होना प्रिंसिपल फीचर्स केटला हो, केटला टाइपनी कॉस्ट आए, पछी फेर चार्जेस कई रीते गणतरी करवामां आवे छे, आपणे आ चेप्टरनी अंदर स्टडी करवाना छीए। तो आपणे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करीए छीए प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। के ट्रांसपोर्ट व्हीकलनी अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट अने वेरिएबल कॉस्ट मीन्स के बे वस्तु आवे, बराबर छे। एक छे ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स के वेरिएबल कॉस्ट, के अलग अलग व्हीकलनी प्रमाणे आपणे फ्यूल प्रमाण है, पेसेंजर प्रमाण है, स्पेर पार्ट प्रमाण है, अलग अलग कॉस्ट नक्की करेली हो, बराबर है। तो कि आप कोई पर ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, बराबर, सर्विस हो, अलग अलग एनु भाड़ू नक्की करेल हो। पची के इंडियन सीटिजननी अंदर, कि आप इंडिया अंदर घना बदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाले, बराबर है। तो घनी बड़ी एजेंसी चालती हो शूँ हो, सौथी वधारे मेन महत्वनो छे मेंटेन लो फेर्स, के भाड़ू ओछू होय अने सर्विस सारी होय, ए खूब ज महत्वनुं छे, बराबर। अमुक ट्रांसपोर्ट एजेंसी एवुं आपतुं के अमुक दाखला तरीके उमरवाळा व्यक्ति के सीटिजन व्यक्ति होय, बराबर छे, सीनियर सीटिजन व्यक्ति होय, एनुं कहेवाय सबसिडीना पण अमुक आपतुं होय छे, बराबर, के भाई स्टूडेंट होय तो सबसिडी मळे छे, पछी सीनियर सीटिजन होय तो अमुक टका राहत मळे छे। ए प्रमाणे घणी बधी एजेंसी चालती होय तो ज्यां पण वस्तु घणी बधी एना फीचर्स होय छे। पछी के आपणे पब्लिकने शुं मेन महत्वनुं छे, के पे वेरी लो फेर, बराबर, के सर्विस सारी मळे अने भाड़ू ओछू थाय, आवुं एफोर्ड करे छे, वधारे भाड़ाने एफोर्ड करे छे, बराबर छे, मीन्स के दूर करे छे, के आपणे पे वधारे भाड़ू चूकवुं नथी, सर्विस सारी मळती होय अने जो भाड़ू ओछू होय तो पब्लिकने संतोष थाय, तो वधारे पड़तुं जो लेता होय पे तो तकलीफ पड़े छे। पण केवुं छे के अमुक एजेंसी एवुं होय छे के फेर ओछो होय पण क्वॉलिटी केवी होय छे, पुअर होय छे, ख्याल आवी ग्यो तमने, क्वॉलिटी कई हो, पुअर क्वॉलिटी अंदर भाड़ू ओछू हो। बट अमुक पेसेंजर ने एवं हो पची कोई सर्विस सारी मती हो तो वे भाड़ू पी लोग चूकवा माँगे, दाखला तरीके प्राइवेट टैक्सी करवानी हो, बराबर है, पची हमें एजेंसी चालती हो प्राइवेटनी अंदर, तो शूँ थे कि पीपल वधारे एट्रेक्ट थाय छे ई बाजू, कारण के जो भाड़ू कदाच भले थोड़ूक वधारे होय तो सर्विस सारी मळती होय तो त्यां भाड़ू चूकवा पण एग्री थई जाय छे, बराबर छे। पछी ऑपरेटिंग कॉस्टनी अंदर बे मोस्ट मेजर पड़े छे, बराबर छे, के ट्रांसपोर्ट एजेंसीस होय छे, बराबर, तो सौथी वधारे फोकस एनी पर होय छे, फेर उपर होय छे, के भाड़ू मेन, तो भाड़ू जो महत्वनुं छे ए मेन पार्ट आपणे भजवे छे, बराबर। पब्लिक ने ख्याल है कि भाई आप दाखला तरीके कोई लगेज व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती हो, बराबर, तो आप कोई ट्रक ने एक जगह बीज जगह माल सामान पहुँचाड़वा हो तो यहाँ आप माल सामान भरेलो हो, बराबर। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करता, आप बात करे कि जो गुड्स व्हीकल हो, बराबर, जो भाड़ू जो लई जवा हो तो यहाँ आप फेर्स नक्की करेला हो, ख्याल आ गया तमने। पची जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बराबर, जनरली बे टाइप्स कॉस्ट पड़े, फर्स्ट वन इज फिक्स कॉस्ट, एने आप इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पण कही सको, अने सेकंड वन इज वेरिएबल, जेने आप ऑपरेटिंग कॉस्ट पण तमे कही सको, बराबर छे, के जे अलग अलग कंडीशन पर डिपेन्ड करे, बराबर छे, कई कंडीशन में, दाखला तरीके जियोग्राफी, कोई आप जमीन हो, जमीन कया टाइपनी हो, व्हीकल जे चलावा टाइपनी जमीन कई रीतनी है पर डिपेन्ड करे, पछी इन्फ्रास्ट्रक्चर केवुं छे, पछी एना एडमिनिस्ट्रेटिव बेरियर्स, बराबर छे, मीन्स के एनी वहीवटनी मर्यादा केटली होय छे, एनर्जी केटली कंज्यूम थाय छे, पछी केटला टाइपना पेसेंजर ने तमे केरी करी शको छो, पछी भाड़ू कई रीते नक्की थाय छे, आटला बधा मुद्दाओ ने वेराइटी पर डिपेन्ड करे छे, बराबर। जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नी अंदर बे कॉस्ट पड़े छे, मेन दिस इज वन, कैपिटल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, अने नेक्स्ट वन इज अ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, ख्याल आवी गयो।
तो आप जोए फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो कैपिटल फंडिंग इन अ पब्लिक ट्रांसिट परटेन प्रिलिमिनरी टू द कॉस्ट ऑफ बसेस, दिस ओनली एंटेल्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ द व्हीकल। मीन्स के कैपिटल फंडिंग दाखला तरीके कोईपण एवं गवर्मेंट रूल्स चालती हो बराबर से, गवर्मेंट बसेस चालती हो तो अँ आप कोई कैपिटल फंडिंग आप गवर्मेंट आपे बराबर से, गवर्मेंट तमने फंडिंग आपे, गवर्मेंट इज ऑल्सो अवेलेबल एंसिलरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के त्या तमने कोई गोण मीन्स के तमने कोई सेटअप करवा माटे के बस नु कोई आप ट्रांसपोर्टिंग करव हो तो सेटअप करवा माटे ऑपरेटिंग कॉस्ट नक्की करवा माटे के बस ऑपरेटर छे, पछी कैपिटल फंडिंग एने आपवामां आवे छे बराबर छे। तो कैपिटल फंडिंग आपवाथी बसनुं इन्फ्रास्ट्रक्चर अने कोई फेसिलिटी बधुं सुधरे छे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या प्रोग्राम द्वारा आपवामां आवे छे, लाइक जे एन यू आर एम बराबर, जेनुं नाम छे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन बराबर, जे गवर्मेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी एना थ्रू कैपिटल फंडिंग अमुक ट्रांसपोर्ट सर्विस ने गवर्मेंट जो पब्लिक चालती हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जे गवर्मेंट थ्रू चालती हुए छे बराबर छे, एने आ टाइपनी फंडिंग आपवामां आवे छे अने व्यवस्थित रीते एनुं कम्प्लीट मेंटेनेंस थई शके। कैपिटल फंडिंग आपे एटले शुं थाय के पब्लिक ने इजीली फेर पण ओछा पड़े प्लस अने सर्विस पण सारी मळी शके। जे नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के जे केवुं होय छे एन्युअली के दाखला तरीके कोई बस वो चालती हो बराबर छे, तो एनी कोई पण बसनो जे मेंटेनेंस करवानो होय छे एन्युअली नक्की करवामां आवे छे बराबर, वार्षिक एनो मेंटेनेंस केटलो थाय छे ऑपरेशन नो खर्च केटलो थाय छे बराबर छे, ए आपणे आनी अंदर जोवानुं होय छे। पछी सम ऑपरेटिंग कॉस्टनी अंदर घणा बधा होय छे, दाखला तरीके ट्राफिक वॉल्यूम होय, पछी अधर फेक्टर दाखला तरीके वेधर कंडिशन बराबर के आपणी वातावरणनी कंडिशन केवी छे सॉरी के जियोग्राफिकल सेटिंग केवा छे, पछी टोपोग्राफिकल फीचर्स केवा छे के जे इम्पोर्टंट रोल अंदर महत्वनो भाग भजवे छे बराबर छे। वेधर कंडिशन मीन्स के वातावरणनी कंडिशन केवी होय छे, ए प्रमाणे तमारे सर्विस चालू करवानी होय छे तो ए प्रमाणे इफेक्ट थाय छे कि नहीं बराबर छे। पछी जियोग्राफिकल कंडिशन बराबर छे के जमीननी कंडिशन केवी छे ए प्रमाणे डिपेन्ड करे छे, पछी स्थळनुं परिचय केटलो छे के स्थळ केटलुं कम्प्लीट छे के नहीं बराबर छे, ए आपणे खास जोवानुं होय छे। नेक्स्ट वन इज अ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स के ज्या व्हीकलनी अंदर सच एज फ्यूल एंड स्पेर पार्ट्स बराबर के जे कॉस्ट के रिलेट करे छे व्हीकलनी अंदर यूजेस ऑफ द व्हीकल फ्यूल एंड स्पेर। दाखला तरीके कोई फ्यूल यूज करवानो होय, दाखला तरीके आपणे व्हीकलनी अंदर फ्यूल यूज करीए छीए बराबर, तो फ्यूल प्रमाणे एनो भाड़ नक्की करवानुं होय छे, दाखला तरीके किलोमीटर एटला रुपया होय छे, एटलू फ्यूल थाय तो एटला प्रमाणे एमां एटला रुपया होय छे, तो वेरिएबल कॉस्ट होय छे बराबर के जे आपणे तमे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई रीते अलग अलग ने डिझाइन प्रमाणे के अलग अलग एना फीचर्स प्रमाણે ડિપેન્ડ કરી શકે છે, દાખલા તરીકે કોઈ કિલોમીટર પ્રમાણે હોય છે, કોઈ પેસેન્જર પ્રમાણે હોય છે, કોઈ કોઈ ડિસ્ટન્સ પ્રમાણે હોય છે, એ રીતે એનું ભાડું નક્કી કરી શકે છે। અને ફિક્સ કોસ્ટ મીન્સ કે વ્હીકલની અંદર ફિક્સ કોસ્ટ આપેલી હોય છે બરાબર, જે કોની પર ડિપેન્ડ કરે છે ડેપ્રિસિએશન ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન બરાબર, કે ફિક્સ જ હોય છે, એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવા માટે આપણે ફિક્સ કોસ્ટ આપવી પડે છે બરાબર, જે આપણે વ્હીકલની અંદર ઘસારો થાય છે, કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ હોય છે, રજિસ્ટ્રેશન હોય, એ બધું ઇનબિલ્ટ આવી જાય છે કે જે ફિક્સ કોસ્ટ આપેલી હોય છે। ખ્યાલ આવી ગયો તમને વેરિયેબલ કોસ્ટ એન્ડ ફિક્સ કોસ્ટ। નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ થિયરી ઓફ ફેર બરાબર, વોટ ઇઝ ધ ફેર, મેં તમને પહેલાં કીધું ફેર એટલે ભાડું, કોઈ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ હોય કે પ્રાઇવેટ ટ્રાન્સપોર્ટ હોય કે ગવર્મેન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ હોય બરાબર, ત્યાં જે પેસેન્જર દ્વારા ચૂકવવામાં જે નાણાં આવે છે કે જે આપણે એનાથી ટ્રાવેલિંગ કરી શકીએ એને કહેવામાં આવે છે ફેર, દાખલા તરીકે રેલ છે, બસીસ છે, ટેક્સી છે, એટસેટ્રા છે એટસેટ્રા બરાબર છે, એ ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર હોય તો એને એરફેર કહેવામાં આવે છે। તો ફેર સ્ટ્રક્ચર એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણે પેસેન્જર દ્વારા પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે ટ્રાન્સપોર્ટને બરાબર છે, કે પેસેન્જર હોય દાખલા તરીકે રેલ, તો આપણે ટ્રેનમાં તમે જતા હોય બરાબર, તો તમે ટિકિટ લ્યો છો, રિઝર્વેશન કરાવો છો બરાબર છે, કોઈ જનરલની ટિકિટ હોય છે, કોઈ સ્લીપિંગની હોય છે, કોઈ એસી કોચની હોય છે, કે આપણે અલગ અલગ એનું ફેર હોય છે બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો તમને। તો એ પ્રમાણે આપણે જનરલમાં જવું હોય તો ઓછું ભાડું હોય, પછી સ્લીપિંગમાં જવું થોડુંક વધારે ભાડું હોય, અને એસી કોચમાં જવું હોય તો વધારે ભાડું હોય છે બરાબર, એ પ્રમાણે આપણે પબ્લિકને સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે મીન્સ કે પબ્લિકને જે પોસાય એ પ્રમાણે આપણે ગવર્મેન્ટ નક્કી કરી લો એ પ્રમાણે અમને ભાડું ચૂકવાનું હોય છે, કે જર્ની કયા ટાઈપની છે, એ જગ્યાએથી એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવું હોય
બરાબર, ડેસ્ટિનેશન પ્લેસ કયું છે, ક્યાંથી ઉપડવાનું છે, એ બધું આપણે ફેર સ્ટ્રક્ચરની અંદર નક્કી કરવામાં આવે છે. બરાબર, કે જનરલી થ્રી વેઝ છે. બરાબર, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ચાર્જ પર પેસેન્જર પર કિલોમીટર. એટલે કે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ હોય, તમે દાખલા તરીકે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલને પસંદ કર્યું, દાખલા તરીકે ટેક્સી, ટેક્સી આપણે પ્રાઇવેટ વ્હીકલની વાત કરીએ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર, તો ટેક્સીની અંદર કેવું હોય છે કે પેસેન્જર પર કિલોમીટર, દાખલા તરીકે પર પેસેન્જર પર કિલોમીટર, કે પેસેન્જર પર પેસેન્જર ભાડું હોય છે. દાખલા તરીકે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવા માટે કેટલા પેસેન્જર છે, તો કે એક પેસેન્જરના એટલા રૂપિયા થશે. પછી પર કિલોમીટર, દાખલા તરીકે એક કિલોમીટરના એટલા રૂપિયા થાય. બરાબર, એ પ્રમાણે આપણે નક્કી કરવામાં આવે છે, એ પ્રમાણે ભાડું એનું ડિપેન્ડ કરે છે, કઈ રીતે એને વેરાયટી નક્કી કરેલી હોય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ફેર પર કિલોમીટર રન. બરાબર, કે કિલોમીટર કેટલા થાય છે, દાખલા તરીકે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવા માટે કેટલા કિલોમીટર થયા, પછી જે એનું ભાડું થતું હોય એ પ્રમાણે એના કિલોમીટર નક્કી કરેલા હોય, એ પ્રમાણે એનું ભાડું નક્કી કરેલું હોય છે, કે એટલા કિલોમીટર થાય તો એક કિલોમીટરના એટલા રૂપિયા થાય, તે પ્રમાણે એનું ભાડું નક્કી કરેલું હોય છે. પછી કિલોમીટર રનિંગ પર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફેર. બરાબર છે, તે અલગ અલગ ભાડું નક્કી કરેલું હોય છે, દાખલા તરીકે એટલા કિલોમીટર હોય તો એટલા ભાડું, પછી અહીંથી કેટલા બીજા કિલોમીટર થાય તો એટલા ભાડું, પછી બીજા કિલોમીટર વધે તો એટલા ભાડું, એ પ્રમાણે અલગ અલગ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર પબ્લિક સર્વિસ હોય છે, ગવર્મેન્ટ હોય કે પ્રાઇવેટ હોય, એ પ્રમાણે એના ફેર્સ નક્કી કરેલા હોય છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ થિયરી ઓફ ફેર. ખ્યાલ આવી ગયો તમને મિત્રો? હવે આપણે નેક્સ્ટ બીજા લેક્ચરમાં સ્ટડી કરીશું. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.